स्वाभिमान के साथ आप खिलवाड़ कर सके तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम संजीदा हैं, हम गंभीर हैं, हम शांत रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डरते हैं। हम ताकत रखते हैं। आप हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी न समझें। आप पत्रकारों को छेड़ोगे तो आप आग से खेलोगे। हमने अभिनेत्री कंगना रानौत को खुले मन से कल कहा है प्रेस क्लब से, या तो आप माफी मांग लो सार्वजनिक रूप से जो आपने बोला है, वरना हम राजस्थान में आपका आना दुगड़ कर देंगे। कल वो आ रही है कंगना रानौत जयपुर में। हमने कहा है या तो आप मान जाओ वरना हम आपकी फिल्म को रिलीज नहीं देंगे राजस्थान के अंदर। और सबसे अच्छी बात ये है कि राजस्थान जितने भी संगठन है, डॉक्टरों के संगठन ने हमें समर्थन दिया है कि आपके लिए एक कॉल पर हम सड़क में उतर जाएंगे। डॉक्टर शिव प्रताप सिंह राठौड़ जो है उन्होंने समर्थन दिया है हमें। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सुनील शर्मा जो अध्यक्ष है उन्होंने, वकीलों ने हमें समर्थन दिया है। और सबसे खास बात कि करणी सेना जिसके नाम से बॉलीवुड के पसीने आते हैं, बाजीराव मस्तानी पद्मावत को जिसने रुकवाया था राजस्थान में, तो कल सुखदेव सिंह गोकापेडी हमारे साथ मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और महिपाल सिंह मकराना आज आ रहे हैं हमारे पास। तो करणी सेना पूरी तरह से प्रेस क्लब के साथ खड़ी है और हमने तय कर लिया या तो माफी मांग ले, मतलब राजस्थान में हम किसी भी सूरत में जजमेंटल है कि आप फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। डीजीपी साहब से मेरी आज सुबह बात हो गई, मैंने हम आपको लेटर देते हैं, जो आगे कार्रवाई करेंगे उसके लिए आपकी जिम्मेदारी होगी, या तो माफी मांग ले या फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। कितना बड़ा नुकसान होगा ये आप समझ सकते हैं बॉलीवुड का। लोगों के फोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं समझौता कर लो। हमने कहा एकता कपूर आ जाए बीच में मध्यस्थता करा ले, और कंगना रावत से कहते हैं सार्वजनिक माफी मांग ले। हमारा कोई अलग से एजेंडा नहीं है, सबके सामने माफी मांगेगी, हम तैयार हैं। ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं इस समारोह के बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ केंद्रीय राठौड़ जी को, और आदरणीय महापौर साहब से कहूंगा शपथ दिला के इस कार्यक्रम में विधिवत रूप से करें। चलिए माला पहना के महापौर साहब मेंबर्स के गले में माला।
शंकर जी कहाँ नागेश आप भी कुछ पहनाओ ने महापुर साहब को। अरे बाबा बातें हमारा पहनाओ, ये मुबारक मौका है। अब मैं भी पहना दूं उपेंद्र जी को इस मुबारक मौके पे। भाटी माला पहनाइए। भाटी जी एक बार सब करतल धमनी से तालियां बजाते हैं। माला उतार के सीधे इन्होंने चुनाव अधिकारी। अच्छा ठीक, शपथ करवा दे। चलिए मैं अध्यक्ष इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट राजस्थान, ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट राजस्थान के अध्यक्ष पद का पूर्णतया लोकतांत्रिक पद्धति से संगठन के संविधान के अनुसार निष्पक्ष और भय रहित रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा। शुभकामनाएं आपको इस मुबारक मौके पे। और ये महापौर साहब की विशेष अपने साथ आए हैं, ये इससे ज्यादा अच्छा तोहफा कुछ नहीं हो सकता आज। और हम इसी भावना का सम्मान करते हैं। और उपेंद्र जी आप थोड़ा पीछे लोग सर्वप्रथम तो मैं आप सभी यहाँ पधारे सत्कर्म समारोह के अवसर पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिलता और IFW जी के पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, जिला अध्यक्ष, उन सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने उन्हें उनके अपना विश्वास जताते हुए आगामी 3 वर्ष के लिए निर्वाचित किया। IFW जी की जो प्रमुख मांग है पत्रकार शोषण कानून, उसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं। इसकी सरकार में भी सभी सांसदों और विधायकों के पत्र प्रधानमंत्री के नाम भेजे गए थे। प्रधानमंत्री कार्यालय से 2 पत्र भी उसके उस विषय में प्राप्त हुए। उन्होंने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि पत्रकारों की सुरक्षा राज्य सरकार का दायित्व बनता है। राज्य सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के सभी संपूर्ण प्रबंध करे। इस वर्ष हम इस सरकार में जो विधायक हैं उनके अनुशंसा पत्र, वर्तमान के जो सांसद हैं उनके भी अनुशंसा पत्र लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय को भिजवा रहे हैं। वहाँ हमें एक नाम दिया गया है उन IAS अधिकारी को, जिन्हें हमें व्यक्तिगत तौर पर उनका पता लिख करके और सारे पत्र वहाँ भिजवाने हैं। तो हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा आप सभी के सहयोग से कि पत्रकार सुरक्षा कानून को जल्द से जल्द राज्य में लागू कराया जाए। और आप लोगों ने निर्वाचित किया उसके लिए पूरा आपने माफी कर दिया आदरणीय महापौर साहब से हैं कि अपनी बात रखे और संबोधित करें हमारे अपने। सबसे पहले तो मैं
बोली जी और साहब क्या आप दोबारा निर्वाचित हुए तो एक व्यक्ति एक बार भी कार्यकाल पूरा अच्छी तरह से नहीं कर पाता सबका मन आपने देखा पुनः आप निर्वाचित इसलिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना और आपको जयपुर से प्रथम नागरिक होने के नाते बहुत बहुत बधाई हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष अभय जोशी जी आपकी सर्वोच्च कार्यवाही महिला मार्गदर्शक जी भी आपके साथ है और हमारे सत्र एक से बड़े हैं तो जुड़े शिष्य भी यहाँ बैठे हैं तो आप लोगों के बीच में मेरा बोलना बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है क्योंकि आप देखेंगे मैं बार बार कहता हूँ एक एक शब्द क्या नहीं करना चाहिए इसमें दिखा लेते हैं मैं तो आपको दो ही बात कहना चाहता हूँ कि जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती दोनों हाथ से ताली बजती है इसी तरह आपका हमारा संपर्क एक दूसरे का प्रेम से बने रहेगा तो आप हमारे से मदद चाहते होंगे आपकी मदद के लिए तैयार पर अच्छा छापते तो जनता को हमारा मैसेज अच्छा भी जाना चाहिए ये व्यक्ति अच्छा काम ये तो अच्छा कर रहा है ये खराब उसको दोनों को एक प्लस इन्वाइट कर दीजिए मैं आपसे आग्रह जैसे मुझे आपसे ताकि जनता के मन में एक भावना जो बनती है विचार जो बनता है ये आपके पेपर के माध्यम से बनता है अब उसमें कितनी सत्य होती है कितनी नहीं होती है पर जो आपने छाप दिया उसको 100% लोग सच मानते हैं कि आप पेपर वाला दे रहे तो सत्य हो तो आप सबका जैसे आपने भी मेरे को बताया कि IFWJ की जो वर्किंग है पीछे से हेड क्वार्टर तय गए और भी छोटे 234 आपके संगठन बड़े हुए 2000 से ज़्यादा आपके मेंबर हैं आज दिन में 2000 मेंबर है ना कि अपने आप में पत्रिका से बताए थे डेली सभी अखबारों से आपका संगठन से जुड़ा हुआ है तो आप जयपुर में मेला ही दूसरे आप काम बताएंगे जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपकी गुटों से सहयोग करूँगा जिसे भी आपने मेरे को बताया तो जमीन का क्या व्यवस्था आपकी कहाँ कर सकता हूँ तो किस तरह से उसको कानूनी हमला जमा पहना कि हम आपको दें क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत सारे ऐसी एक्ट बने गए हैं जिनके ऊपर भी हमें भी आपको दोनों को दिक्कत आ रही है एक बार मैं देख के कोशिश नहीं कहाँ हो सकता है मैं आपकी ये कोशिश करूँगा और उसमें पूरा सहयोग भी देने की जरूरत होगी जब तक आपको बिल्डिंग नहीं मिलेगी अभी मैं हमारे लिए यहाँ पे अपने दिल्ली गया था और ऑल इंडिया मेन पेज और उसका सम्मेलन 27 आगरा में उसमें हम भी जाएंगे तो मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा जैसे आपके पूरे ऑल इंडिया में हैं ऑल वर्ल्ड में तो उन्होंने जयपुर शहर से हमारे काउंसिल है उन्होंने एक स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर जयपुर राजधानी से मेरे को चाहे मैं इलेक्ट हूँ या नहीं हूँ तो भी मैं उसका मेंबर हूँ इस तरह का एक आप अगर उसमें करें दिलीप भाई तो आपको संगठन में बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी और मजबूती मिलेगी और आप क्योंकि वो आपको प्रत्येक अपने 33 जिलों में काम करने वाले जोधपुर वाला दिल्ली के शुरू से आए आप वहाँ से आए तो वहाँ इनके जो क्षेत्र है अब ऐसी जाके वहाँ अपनी जादम नहीं जमा सकते इतनी जितनी सीधे ये मेरे नाम राशि जमा सकते हैं ना रहते हैं तो आपको बहुत सहयोग मिलेगा जो मेरा एक अनुभव है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अच्छा लगे तो आप इसको स्वीकार करना नहीं तो कोई बात नहीं बोल जैसे मैं सरपंच भी रहा हूँ आज से भी रहा मेयर बना मैं नीचे से ग्रोथ करता हूँ पिछली 78 से 78 से राजनीति में सक्रिय और उसका लाभ मेरे को जाके 2019 में मिला तो सभी पत्रकार बंधुओं से एक आग्रह भी करना चाहूँगा कि जैसे भी भाई साहब ने अपनी जिम्मेदारी समझते भाई अब मैं इसके योग्य दी हूँ अर्थात शरीर पूरा जिसको बोझ उठाने के काबिल नहीं है तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर नए को भी चांस दे तो बहुत अच्छी बात है और नए नए व्यक्ति काम करेंगे नए नए को प्रयास करेंगे तो सारा संगठन आगे बढ़ता है तो आपके साथ बहुत बहुत जमीन साहब बहुत बहुत बधाई की बात रहोगी आपने कम से कम ये सोचा अन्य हमारे राजनीतिक क्षेत्र में तो जब तक आगे दिन तक होता है जब तक वो कहीं कहीं चुनाव नहीं करता अभी जैसे वो आपके फारिक साहब थे सीनियर फोटोग्राफर साहब हैं इन्होंने भी आपको कहा कि भाई आपसे जो सहयोग अपेक्षित आप चाहते होंगे आपके प्रति लोगों की हमने जो देखी भावना देखी आप बहुत बधाई की बात क्योंकि आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी है तो आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और
अभी जी भाई साहब आपको भी धन्यवाद कि आपने हमारे उपेंद्र जी से बात मुलाकात कर ली। आप मेरे से जो भी कभी सहयोग मांगे तो आपके लिए साथ अभय जी हमने एक माला पहनी थी एक बार महापौर साहब सभी उपस्थित पत्रकार साथी आज के इस मुबारक मौके पर केंद्र सिंह जी को दूसरी बार जो हम लोगों ने ये दायित्व सौंपा है भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये अपनी दुगनी ऊर्जा से इसको पूरे राष्ट्र में फैलाने में अपना भरपूर योगदान करेंगे। जय हिंद जय भारत। शुक्रिया। सभी के लिए गर्व का मौका है कि उदयन जी जैसे सक्षम और संजीदा व्यक्ति हम पत्रकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रदेश में। अभी हमें एक और पहल मेरी जो मुलाकात कुछ समय पहले हुई तो आपने कहा था कि महिला विंग जो है राजस्थान में खड़ी की जाए और उसमें मेरा थोड़ा सा विरोध क्यों था कि महिलाओं को सबके बीच में बैठ के उसमें समाहित होना चाहिए न कि एक अपनी अलग धारा में रहना चाहिए। तो वो जो इंक्लूजन का जो थॉट था उसको लेकर पर यह है कि हमेशा बहुत सारे मसलों पर हमारा मत विरोध होना चाहिए और मत विरोध जरा नहीं होना चाहिए। तो जो भी लंबा अनुभव हम सबका है हम कोशिश करेंगे कि ऐसे संगठनों को जिनके प्रति शायद अभी भी राजनेताओं में और समाज में बहुत शायद सकारात्मक छवि अभी तक नहीं रही है। मैं एक पत्रकार होने के नाते अपने नजरिए से भी देखती रही हूँ इन सब चीज़ों को और 23 साल के दौरान मुझे लगा कि जितना सशक्त और संजीदा ये संगठन होने चाहिए थे शायद हमारे हिस्से में जो कमी रही है उसको हम पूरा कर पाएंगे और जो भी हमारा सकारात्मक योगदान होगा संगठनों को बनाने में और पत्रकारिता का जो स्टैंडर्ड है जो उसके मानदंड है उनको ऊंचा उठाने में और सभी को साथ लेकर आगे चलने में हम सब पूरी तरह से सहयोग उपेन जी का करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपका और विष्णु जी आप यहाँ पर आए आप लोगों का सहयोग जो है वो सब संगठनों को मजबूत करने में बहुत अहम होता है हमेशा। और जो मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं वो केवल राजस्थान का मसला नहीं है बल्कि पूरे देश में ये हालात है आज के दौर पर पूरी दुनिया में बल्कि हालात है कि पत्रकार कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जिस अखबार को अभी मैं रिप्रेजेंट करती हूँ या मैं करके हम लोगों ने भी व्हाइट हाउस में भी ये लड़ाई लड़ी है कि किसी के भी अगर संदर्भ में कोई भी टिप्पणी इस तरह की कही जाए जो कि उन्हें नापसंद हो तो अखबारों पर तुरंत प्रहार होने लगता है। और उस वक्त भी हमने प्रधानमंत्री तक को ये पत्र लिखा था कि एम्बेसी तक में वहाँ पर टकराव की स्थिति बनी और वही स्थिति मुझे लगता है पूरी दुनिया में है। तो पत्रकारों को सुरक्षा जो है वो राज्य से राज्य का ही दायित्व होना चाहिए। तो ये मांग जो भी आपने उठाई है उसका हम हमेशा समर्थन करेंगे और जो भी हमारी मैडम आपने बहुत अच्छी बात कही कि विष्णु लाटा जी ये यारों के यार मतलब हकीकत में इतना स्नेह है इनका इतने मीडिया फ्रेंडली हैं ये कि हमने जब याद किया आप दौड़े चले आप आज सुबह बात करी मैं तो कुछ हूँ मेरी क्या हैसियत लेकिन हकीकत है आज सुबह मॉर्निंग वॉक में था बहुत से बातें मैंने आज आना ये मतलब इतने सहज है बोले मेरे बहुत असाइनमेंट आते थे इनके थे असाइनमेंट उसमें से कांटा झांटी करके किस तरह से आए ये जानते हैं इनके आत्मा जानती है लेकिन यहाँ इतने सहज भाव से बैठे कि कोई कह नहीं सकता इनका पूरी डायरी बनी हुई आज की 5 मिनट का समय नहीं इनके पास हकीकत कह रहा हूँ। हम चाहते हैं वापस जब चुनाव आ रहे हैं महापौर पुराना हमारी बात सुनी जयपुर का महापौर का जनरल और जनरल रोड पूरा प्रेस मीडिया इनके साथ खड़ा होना चाहते हैं इनको कंधे कंधा मिला के साथ खड़ा होना चाहते हैं क्योंकि हमें ऐसा महापौर सो जन्म लो तो धरती में मिलता है इतने महापौर आए इतने गए हमने कभी किसी के साथ इस तरह का ताकत में बैठा ही नहीं क्योंकि हमें हमारा जैसा लगा ही नहीं। आदरणीय विष्णु लाटा जी इनके साथ ऐसा मेल खाता सबका सब लोगों का और निस्वार्थ और इतने ईमानदार जो कहा वो किया जो नहीं हुआ वो कहते भाई मेरे पास आज इनसे देखिए बेटा हमने क्या किया सबके सामने खुल के बताया
आवाज है, इसमें कोई लाभ लपेट नहीं है, कोई किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। पत्रकार चाहते हैं कि उन्हें आप जैसा मित्र के रूप में महापौर हमेशा मिलता रहे जयपुर में। आदि जगदीश नारायण जमीन साहब ने बात रखी है। जो तो संगठन से भी करीब तकरीबन 25-30 साल से आई और मेरी उपेंद्र जी से सबसे पहले मुलाकात जैसलमेर 2014 में जनरल सेक्रेटरी का आई बनी, तो हमारी मुलाकात के दौरान में एक रात्रि को हम दोनों बैठ थे, तो मैंने कहा मगर मैं आपको कहीं और जगह देखना चाहता हूँ इस संगठन में, कोई असल के सभी क्या कह रहे हो, मुझे कह नहीं रहा हकीकत है, ये मेरे दिल की बात। और वो आज हकीकत साकार हो गई। सबसे बड़ी इसके बाद में 2014 से लेकर एम में 16 तक प्रेसिडेंट रहा राजस्थान का, काफी रिप्रेजेंट किया इंडिया के अंदर, मैंने बात और कह सकती। लेकिन जो वर्कर्स के अंदर की भावना एक दूसरे के साथ की छोटी सी है, जो उपेंद्र सिंह जी में मैंने देखा संगठन के प्रति, वैसा मैंने किसी और इसके लिए भी बधाई के बात। और मुझे आज सबसे बड़ा फख्र इस बात का है कि मेरी जो एक विरासत थी वे कैसे सुरक्षित हाथों में गई है, जो मुझे भरोसा है कि आने वाले 20 साल तक नहीं रह पाए। तो सभी को मेरी शुभकामनाएं, सभी कंधे से कंधे मिला के भाई साथ चले, और जब जब भी मुझे याद करोगे मैं भी आपके साथ पहुंचूंगी, मैं कोई अलग नहीं हूँ, लेकिन एक एज के हालात और एक परिस्थितियाँ दूसरी होती है, उस सब चीज़ों को देखते मैंने आपको विड्रॉ किया था। और उपेंद्र सिंह जी भाई जैसे दोस्त को आगे लाए, आप सबको मेरा आपसे ये कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है और निवेदन है कि आप इनको साथ दें, कभी से कभी लगना है, आप भी ऊँचाइयाँ छुएंगे, संगठन भी ऊँचाइयाँ छुएंगे। धन्यवाद। आपने सही कहा जयमिन साहब, ऐसा कहना है कि मैं भी इनके साथ में रहा हूँ और सभी साथ में रहे, मेरे अकेले से नहीं, सभी का साथ था, तभी ये संगठन आज 33 जिले और 235 उपखंडों में उपखंड में खा रहे और 2067 से ज्यादा जनसंख्या देश भर में है। ऐसी स्थिति में मैं सिर्फ सबसे बड़ा श्रेय सेनापति को दिया जाता है जो कि हर जगह।